आज हम बात करेंगे अल्टरनेटर को मॉडिफाई करने से क्या रिजल्ट आता है और विदाउट मॉडिफिकेशन के क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इस सिस्टम में हम मॉडिफिकेशन करके क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं अल्टरनेटर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक डीसी मोटर है और मैंने इसको मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के बाद इसका क्या रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास 2 HP की मोटर है डीसी, इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया और इसमें जो प्रॉब्लम्स है मतलब वो विदाउट मॉडिफिकेशन के एज ए जनरेटर पे अगर आप से यूज़ करोगे तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी बेहतर नहीं होती होता है। मतलब बिना मॉडिफिकेशन के इसमें क्या अंतर है और ये मॉडिफिकेशन करने के बाद इस मोटर में क्या अंतर है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा कि मॉडिफिकेशन करना कितना ज़रूरी है और इसका मॉडिफिकेशन के लिए वर्क आना चाहिए। तो देखिए ये मोटर है, मैं इसको थोड़ा ऊपर, हाँ ये अब राइट चल रही है। और ये मेरे पास एक मोटर है 12 वोल्ट डीसी, तो मैं इससे इसको चला के दिखाऊंगा कि इसमें रिज़ल्ट क्या आता है। और रुकिए मैं इसके ऊपर एक मास्किंग टेप भी लगा देता हूँ जिससे कि आप इसको आसानी से चलते हुए देख सकें। तो फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ पे एक मास्किंग टेप लगा जिससे कि आपके रोटेट करता हुआ आपको आसानी से मोटर दिख सके। तो अब ये इसकी वायर है इस मोटर की, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको चला के। ये देखिए आप कितनी भी घुमा ले मतलब ये वोल्ट वगैरह नहीं देती, ये सिंपल आउटपुट ले इनपुट लेकर वर्क करती है। ये देखिए मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया और इसको नहीं रोटेट करा रही है, यानी कि इसके वोल्टेज बहुत ही लो है, यानी कि इसके इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है इसका। हालांकि ये वोल्टेज तो देती है लेकिन दिखाने के लिए देती है। तो आप देख सकते हैं आसानी से ये नहीं रोटेट हो रही है। अब मैं जो मॉडिफिकेशन मैंने की है इस मोटर में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो चलो मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ ये मोटर, ये इसकी वायर है, ये आप आसानी से देख सकते हो। मैं इसकी वायर खोल लेता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइबर के साथ आप ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मैं देखता हूँ इसे जो मॉडिफिकेशन मैंने की है और इसमें क्या चेंजेस हुआ है और चेंजेस मैंने कैसे क्या किया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आप बने रहे वीडियो के साथ। डीसी मोटर में भी काफ़ी प्रकार की मोटर होती है और 2 पोल और 4 पोल। अभी ये हमारी जो मोटर है ये कितने पोल की है और ये मैंने मॉडिफाई जो की है ये कितने पोल की है और कितने पोल से क्या डिफरेंस होता है वे मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो देखिए ये मॉडिफिकेशन के बाद ये देखिए आसानी से चल रहा है, मतलब देखिए बहुत अच्छा है, रोटेट करा रही है इसमें आसानी से घुमाने से। तो मॉडिफिकेशन का ये फ़ायदा होता है कि आप नॉर्मल करंट वोल्टेज को भी आप इंक्रीज कर सकते हो विद मॉडिफिकेशन। देख कितनी आसानी से ये वर्क कर रही है। अगर अब मैं बता देता हूँ ये कितने पोल की है और ये हमारी जो मोटर है ये कितने पोल की। ये जो हमारी जो मोटर है ये 2 पोल की है ये वाली। अगर हम इसको मॉडिफिकेशन करें और इसके इस अंदर 4 पोल करें, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेट लगी हुई है वे 2 मैग्नेट लगी हुई है इधर और इधर, साउथ और नॉर्थ। इस मोटर में 4 मैग्नेट लगी हुई है, यहाँ पे साउथ नॉर्थ फिर साउथ फिर नॉर्थ, यानी कि इस एक मैग्नेट यहाँ पे हैं और दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी इसके यहाँ पे, मतलब बॉडी के अंदर 4 पोल बने हुए हैं। तो और इसमें जो वायर का जो डिफरेंस है वो भी है,
इसके अंदर जो वायर यूज़ हो रही है वो 24 नंबर की वायर है, और इसके अंदर जो यूज़ हो रही है वो 21 नंबर की वायर यूज़ हो रही है इस वाले मोटर के अंदर। तो इसमें मेन डिफरेंस ये भी हो गया, और दूसरा एक पोल क्या पोल का भी आप ये मेज़र करता है बहुत, कि आपका जो अल्टरनेटर होता है किसी भी आप नॉर्मल बनाओ या किसी भी नॉर्मल मोटर को इंडक्शन मोटर को आप अगर पीएमजी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका पोल देखना बहुत ज़रूरी है, और पोल का इंक्रीज़ करना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप पोल का इंक्रीजिंग करेंगे उतनी आपकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आरपीएम आपके रिड्यूस हो जाएंगे, मेन मेज़र यही होता है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मैं हर रोज़ आपको नए टॉपिक पर वीडियो देने वाला हूँ। तो बस ये यहीं तक थी मेरी वीडियो, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसको मैंने किस तरीके से मॉडिफाई किया है और वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में खोल के दिखाने वाला हूँ, और इस मोटर को भी खोल के दिखाने वाला हूँ इसके अंदर पोल्स किस तरीके के हैं और इसके अंदर पोल किस तरीके के हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसके आपको वोल्टेज भी काउंट करा के दिखा देता हूँ कि ये कितना वोल्ट बना रहा है और ये कितना। ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, इसको हम DC20 पे सेट करते हैं, उसको मैं पहले जो हमने मॉडिफाई किया है मोटर, पहले मैं इसके वोल्टेज आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5 समथिंग जा रहा है, लेकिन इसके जो वोल्टेज है सपोज कि ये आपको मेरे इतने आरपीएम पर 5 समथिंग वोल्टेज मिले, लेकिन ये वोल्टेज स्टेबल है, इसके ये वोल्टेज के स्टेबल होते हैं, और जितना ये वोल्टेज दिखाता है उतना ही यूज़ आप इस पर कर सकते हो, लोड भी डाल सकते हो। लेकिन ये हमारी दूसरी मोटर है, मैं इसके भी वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ, हालांकि इसके कंपैरिजन में इसके वोल्टेज हो गए तो ज़्यादा है, लेकिन इसके जो वोल्टेज हैं वे स्टेबल नहीं होते, वे इंक्रीज डिक्रीज होते जाते हैं और लोड की अकॉर्डिंग। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए इतने रोटेट कराने में हालांकि 10 से 12 वोल्ट दे रही है, पर ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये दिखाता कुछ और है, और जब इस पर लोड डालता है तो बहुत कम इसके वोल्टेज हो जाते हैं, तो इसके जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहते हैं, तो इसलिए ये इसके कंपैरिजन में ये बेस्ट मोटर है। और ये 4 पोल है, ये 2 पोल है, ये आपको मैं आप अच्छी तरीके समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन मोटरों को आपको ओपन करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से मैंने इसको मॉडिफाई किया है और इसमें क्या क्या चेंजेस किया है जिससे कि इसके वोल्टेज इंक्रीज़ हुए हैं और स्टेबल हुए हैं। और आपके अगर सवाल है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।